हाय प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपना बड़ा ही ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई भी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, बिकॉज एग्जाम्स लगातार नज़दीक आ रहे हैं। आइए इस छोटी सी वीडियो में हम क्लास 11th के बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन द एड्रेस, जिसके राइटर हैं मार्गा मिंगो, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। नंबर वन देखेंगे। The woman was wearing my mother's, औरत पहने हुए थी मेरी माँ का डैश निटेड कार्डिगन, बुना हुआ कार्डिगन। ऑप्शन ए रेड, बी ग्रीन, सी ब्लैक एंड डी व्हाइट। और आंसर है बी ग्रीन, यानी कि हरा। नंबर टू, आई लुक्ड एट द, मैंने देखा डैश अगेन दोबारा किसकी ओर, फेस हाउस नेम प्लेट एंड मदर, चेहरा घर या नेम प्लेट या माँ, मैंने दोबारा देखा नेम प्लेट, जो नेम प्लेट थी मकान के बाहर जिस पर लिखा था जो डॉर्लिंग। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द हाउस वाज, मकान का नंबर क्या था, 26, 56, 16 एंड 46। आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 46, नंबर 46। नेक्स्ट, माई मदर सीम टू नोटिस, मेरी माँ को ऐसा प्रतीत हुआ जब उन्होंने नोटिस किया, दैट आई वॉज नॉट एंटायरली, कि मैं पूरी तरह से क्या नहीं हूं, ए कन्विंस्ड अग्री सहमत, रेडी तैयार या डिसअपॉइंट निराश। आंसर है ऑप्शन ए कन्विंस्ड, मैं उनके इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी कि जो डॉर्लिंग जो सामान ले जा रही हैं वो एक अच्छा काम कर रही हैं या ये हमारे लिए सही हो। क्लियर। नंबर फाइव, एट द सेकेंड विजिट, दूसरी यात्रा में नैरेटर फाउंड द, जो इस कहानी की सूत्रधार है मिसेज एस की बेटी, उसने पाया डैश मिसेज डॉर्लिंग में, मिसेज डॉर्लिंग का या की क्या, ए फ्रेंड, बी कजन, सी डॉटर, डी मदर। कौन मिला उसे, दोस्त कजन या मदर नहीं उसे मिला, ऑप्शन सी सही आंसर है, डॉटर मिसेज डॉर्लिंग की बेटी। नंबर सिक्स, आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड, मैं बैठ गई और मैंने घूरा एट द वुलन, उस गर्म जो ऊनी है क्या, कार्डिगन क्लॉथ स्वेटर या टेबल क्लॉथ, वो उस मेज पोश को जो वहां मेज पर पड़ा हुआ था। द गर्ल हैड ए ब्रॉड, जो लड़की थी मिसेज डॉर्लिंग की, बहुत चौड़ा शरीर था उसका, लाइक हर मदर अपनी माँ की तरह। ऑप्शन देखें, बैक फ्रंट आईज या फेस, ऑप्शन ए है सही आंसर, बैक। नेक्स्ट है, आई हैड ऑलवेज फैंसीड द, मुझे हमेशा से पसंद आता रहा था क्या, डैश ऑन द प्यूटर प्लेट, एक प्यूटर प्लेट थी टीन की बनी हुई, उस पर ऑरेंज एप्पल बनाना या आइसक्रीम, आंसर भी सही ऑप्शन है एप्पल यानी कि सेब। नंबर नाइन, आई हैड फाउंड द, मैंने पा लिया मैंने खोज लिया डैश मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, कौन सा निशान टेबल क्लॉथ पर, वाटर पानी का, ओल्ड पुराना, न्यू नया या बर्न जलेगा, आंसर है ऑप्शन डी बर्न जलेगा। नंबर टेन, आई आस्क्ड हर विच, मैंने उससे पूछा कौन सा डैश सी मीट, उसका अर्थ है सिल्वर चांदी गोल्ड सोना, मेटल माने धातु या चौथा थिंग वस्तु, और आंसर है ऑप्शन ए सिल्वर, विच सिल्वर, कौन सी चांदी, किस चांदी के बारे में बात कर रही थी। लास्ट है, आई रिजॉल्व टू, मैंने निश्चय कर लिया द एड्रेस, उस पते के बारे में क्या, लर्न सीखने का, रिमेंबर याद करने का, राइट लिखने का या डी फॉरगेट, आंसर है ऑप्शन डी फॉरगेट। फाइनली मिसेज एस की बेटी ने डिसाइड किया कि अब उस पते को 46 मकान नंबर को भूल जाना चाहती है, क्योंकि इसे याद करने से अब कोई खुशी नहीं है, सिर्फ परेशानी है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंग्लिश पे यस गोस्वामी, नमस्कार।